हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए। अनिल विज ने मंगलवार को अचानक अंबाला छावनी में बन रहे कैंसर अस्पताल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें अंबाला छावनी की हैं, जहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण कार्य के निरीक्षण के लिए पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री के अचानक वहां पहुंचने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। दुआ सलाम होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री निर्माण कार्य के निरीक्षण देखने के लिए बिल्डिंग के अंदर चले गए। विज ने एक एक मंजिल पर जाकर हर कमरे की बारीकी से जांच की, निर्माण कार्य में लग रही सामग्री को भी परखा। इसके साथ ही उन्होंने बिल्डिंग में कई बदलाव करने के आदेश दिए। इस दौरान विज ने बताया कि नॉर्दर्न इंडिया का बहुत बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है और यहाँ मरीजों के इलाज के लिए आधुनिक विधियाँ प्रदान की जाएंगी। और यह नॉर्दर्न इंडिया का बहुत बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है और यहाँ पर सब जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट की विधियाँ हैं सारी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लीनियर एक्सीलेटर भी लगा रहे हैं जो इसमें लगेगा और कुछ छोटी छोटी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं जो मैंने कहा है कि इनको ठीक करो और ये अप्रैल तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही विज ने आने वाले योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले साल 6 नर्सिंग कॉलेज को मंजूरी दी गई है और हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोलने की योजना है। ऐसी योजना है कि हम हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोलें। 6 नर्सिंग कॉलेज हमने पिछले साल सेंक्शन कर दिए थे। वहीं अस्पताल में स्टाफ की कमी को लेकर भी अनिल विज ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल के लिए अलग स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी, साथ ही उन्होंने हर जिला अस्पताल के साथ एक नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की बात भी कही है। खबर अभी तक के लिए अंबाला से कमलप्रीत सबरवाल की रिपोर्ट।